गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में, पानी के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, तो पानी क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक पानी का यूज करते हैं, तो क्या होगा अगर पानी नहीं हो तो? पानी नहीं हो तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पानी से ही सब चीज है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या? पानी नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या? साथ ही साथ पानी नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे होंगे? पानी नहीं रहेगा तो फसलें कैसे होंगी? फसलें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ पे हम एक चीज और सीखेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में आपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने एयर और वाटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी का एक पार्ट है वाटर। वाटर के बारे में हम इसमें थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन मेरा कोशिश ही रहेगी आने वाले 5-10 मिनट में कि आपको वो सारी बातें बता पाऊं जिससे आप अपने घर में, अपने आस पास में जहां पे पानी वेस्ट हो रहा है वहां पे आप इन सबको रोक सकें। डियर फ्रेंड्स, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप इसको गौर से देखिए कि आपके घर में कोई नल चालू छोड़ देता है या कहीं ऐसा होता है कि बेवजह पानी वेस्ट हो रहा है, अपने आसपास में कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, तो प्लीज उसको रोकें। पानी बहुत कीमती है। कितना कीमती है हम आज पढ़ने वाले हैं। वाटर आर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमको नेचर की तरफ से मिलते हैं और उनका यूज करते हैं हम अपने जीवन के लिए, ठीक है। तो क्या क्या नेचुरल रिसोर्स है? हवा है, पानी है, सनलाइट है, सोल है, फॉरेस्ट है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ऐसे बहुत सारे और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। क्या यूज है इनका? यूज क्या है? हवा का क्या यूज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पानी का क्या यूज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सनलाइट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूज की क्या यूज है, क्या यूज इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो ये तो हम मतलब इसकी तो हम ये टॉपिक ही नहीं है कहीं से कहीं तक। टॉपिक क्या होगा फिर? टॉपिक तो ये होगा कि हम इनको सेव कैसे कर सकते हैं, हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं ताकि हमें आने वाली जनरेशन को पानी मिल सके, हम कैसे एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, हम कैसे जो और भी सारी चीजें जो खत्म हो रही हैं, जो पेड़ कट रहे हैं या फिर और भी चीजें जो खत्म हो रही हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन द 4th ऑफ द पडल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एंड ओशन। हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है बुक में भी नहीं बताया है, सिर्फ उन्होंने इतना बोला है कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इनिशियल एसेंशियल है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोथ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। वाटर इज आल्सो अ हैबिटेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडीज कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है नियर अबाउट उसमें 70% पानी है। समझिए अगर 70% किसी चीज में से कुछ निकाल दिया जाए तो वो कितना बचेगी? जो हमारा शरीर देख रहे हैं अगर उसमें से हम 70% को अलग रखते हैं तो हमारे पास क्या बचेगी? वो इतनी सी जो है ना हड्डी वो बचेगी, वो जो बचती है ना शमशान में ले जाने के बाद वो बचेगी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। देन वी लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ takes from space its appearance blue. Do you know why about 71% of earth's most abundant substance on the earth, therefore our earth is also a watery planet. Almost 97.5 of the water available on the earth's surface is contained in the seas and oceans. जो 70 मतलब जो हमारे पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है, जितना वाटर हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर, हमारे प्लैनेट पर अवेलेबल है, उसमें से 97.5% जो है वो ओशियंस में है, सीस में है, सागरों महासागरों में है। दिस वाटर इज सैल्टी और
सैलाइन और देयरफॉर अनफिट फॉर ह्यूमन कंपोजिशन कंजप्शन सॉरी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये चीज, पानी तो हमारे पास बहुत सारा है लेकिन हमारे जो यूज करने के लिए, हमारे जो यूज करने लायक पानी है, हमारे हम जो उसको उपयोग कर सकते हैं, जो उसको पी सकते हैं या जिससे हम खाना बना सकते हैं, ऐसा पानी मात्र 1% ही है। ठीक है, तो पानी बहुत सारा है लेकिन जो हम जिसको हम यूज कर सकते हैं वो पानी बहुत कम है। 16.3 इंपोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर ऑर्गेनिज्म, क्या हमारे ऑर्गेनिज्म में वाटर की इंपोर्टेंस है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये चीज अपने से पढ़नी है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। क्या क्या हो सकते हैं हम एक दो पर बात कर लेते हैं। वाटर इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स डिसॉल्व मिनरल्स गैसेस एंड मैनी मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड कैरीज देम टू द प्लेस ऑफ नीड इन द बॉडी। जो पानी है वो हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है, चाहे फिर वो एनिमल्स की बॉडी हो, ठीक है, उसमें वो क्या काम करता है, मिनरल्स को, गैसेस को और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, एंड कैरीज देम टू द प्लेस टू नीड इन द बॉडी, और वो क्या काम करता है, वो उस वहां तक लेके जाता है जहां तक उनकी जरूरत है। वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडीज। तो जो वाटर जो पानी है वो क्या करता है, हमारी बायोकेमिकल्स को एक मीडियम प्रोवाइड करता है टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। ऐसे ही इसमें कुछ और इंपोर्टेंस दिए हैं, वो हमें क्या कम करना है, पढ़ना है आपको। सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, तो जब हम सोर्सेस की वाटर जब सोर्सेस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हमने सोर्सेस ऑफ वाटर को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। पहला है सरफेस वाटर, दूसरा है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर क्या है, सरफेस वाटर वो होता है जो पानी जो पृथ्वी की सतह पर मिलता है आपको, जैसे कि तालाब है ना, नदियों में जो पानी होता है, झरनों में जो पानी होता है, ठीक है, समुद्र में जो पानी होता है, ये सारा क्या होता है, ये सरफेस वाटर होता है। ठीक है, अब हम बात करें अंडरग्राउंड की, तो हम जो बोरिंग करते हैं, जो ट्यूबवेल करते हैं, ट्यूबवेल होते हैं ना, और हैंडपंप जो लगाते हैं, और जो बावड़ी जो कुआ जो हम खोदते हैं, वो सारा क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर हमको वहां से मिलता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ वाटर में क्या क्या है, वाटर में दो चीजें होती हैं, पहला है हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसमें रेशियो होता है 2:1, मतलब क्या है कि दो हिस्सा हाइड्रोजन होगा तो एक हिस्सा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उसको ऐसे समझिए, ठीक है, मतलब इसको ऐसे नहीं कह सकते लेकिन आप इसको फिलहाल में ऐसे ही समझिए। ठीक है, रेशियो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। सॉलिड स्टेट्स मतलब जो पानी है वो हमको तीनों स्टेट में मिलता है। पहला स्टेट क्या होता है, जो होता है हमारा लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो लिक्विड में तो पानी जो नॉर्मल होता है उसको हम लिक्विड ही बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि हम उसको आइस फॉर्म में जो होता है ना, बर्फ जो बनती है वो सॉलिड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में ही बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमको क्या, जब हम पानी को उबालते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेट हो जाती है तो जो उससे वो गैस निकलती है, ठीक है, अगर उसको हम वो ठंडी हो जाती है तो वो वापस से पानी बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम क्या होता है वाटर साइकिल, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, या फिर ऐसा कर सकते हैं, वाटर साइकिल क्या है ये आपको अपने से पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम क्या होता है बात हम इस पे करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना अपने से, ताकि हम और अच्छे से इस पे बात कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए तो काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। ठीक है।